जब जय और वीरू पहली बार जेल में मिले थे। जय, तुम जेल में कैसे आए? वीरू, कुछ नहीं यार, सिर्फ छोटी सी रस्सी चुराई थी। जय, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वीरू, अरे भाई ऐसा ही हुआ था, लेकिन बात इतनी थी कि रस्सी के दूसरे सिरे पर भैंस बंधी हुई थी। पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति नाराज होकर पत्नी से बात नहीं कर रहा था। पत्नी, अब मैं 10 तक गिनूंगी, अगर तुम ना बोले तो मैं जहर खा लूंगी। पत्नी ने 1 से लेकर 8 तक गिनती शुरू कर दी। पति खामोश रहा। पत्नी ने, 9। पति फिर भी चुप। पत्नी, बोलो ना प्लीज। पत्नी का रोना शुरू हो गया। पति, गिनती। पत्नी, शुक्र है आप बोले तो सही, नहीं तो मैं जहर खाने ही वाली थी। मुर्गियों के फार्म में एक बार निरीक्षण के लिए इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर, तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? पहला आदमी, सर बाजरा खिलाता हूँ। इंस्पेक्टर, इतनी गर्मी में बाजरा, इसे गिरफ्तार कर लो। और तुम क्या खिलाते हो? दूसरा आदमी, सर चावल खिलाता हूँ। इंस्पेक्टर, गलत खाना, इसे भी गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर संता से, तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? ये सब देखकर संता बहुत डर गया था। वह डरते डरते बोला, साहब हम तो मुर्गियों को 5-5 रुपये दे देते हैं, जो तुम्हारी मर्जी है जाकर खा लो। मैडम दूर वाले से, छोरे 35 साल का होने को आया, अब तो शादी कर ले। राजू, नहीं नहीं मैडम, क्यों क्या हुआ? दूध वाला, मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठकर घरों में दूध देने जाता हूँ, उस वक्त इन औरतों का ओरिजिनल चेहरा देखकर मेरी तो शादी करने की हिम्मत ही नहीं होती। पति फ़ोन पर पत्नी से, तुम बहुत प्यारी हो। पत्नी, थैंक्स। पति, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी, थैंक यू सो मच डियर। और बताओ क्या कर रहे हो? पति, फ्री था, सोचा मजाक ही कर लूँ। सास बहू से, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने जो कुछ भी खाया, आज बेटे को हर वो चीज़ बेहद पसंद है। बहू, माँ जी जो भी हो, लेकिन आपको सिगरेट और दारू से बचना चाहिए था। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे एक लड़की को घसीट के स्कूल ले जा रहे थे। एक बुजुर्ग, बच्चों इसे छोड़ दो, पढ़ना होगा तो ये खुद स्कूल जाएगी। लड़के, ये स्टूडेंट नहीं मैडम है चाचा, स्कूल ही नहीं आती है, दिन भर व्हाट्सएप में लगी रहती है। पत्नी, ये कौन सा कानून है कि तुम्हें मैं ही खाना बना कर दूं? पति, ये तो पूरी दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना सरकार ही देती है। कुत्ता, कल मेरे मालिक ने रात के 2:30 बजे चोर पकड़ा। दूसरा कुत्ता, तू कहाँ था? पहला कुत्ता, कुत्ता हूँ इंसान नहीं, जो सारी रात नेट चलाता रहूँ, मैं तो आराम से सो रहा था। पति पत्नी साथ सफर कर रहे थे, एक भिखारी आया, पति ने जेब से पर्स निकाला ही था कि भिखारी बोल उठा, जोड़ी 7 जन्म तक बनी रहे। पति ने पर्स फिर से जेब में रख लिया। भिखारी भी स्मार्ट था। भिखारी, भगवान करे ये 7वां जन्म हो। पति ने पूरा पर्स ही थमा दिया। पति ने पत्नी का फ़ोन काटते हुए कहा, मीटिंग में हूँ, बाद में फ़ोन करता हूँ। थोड़ी देर बाद पड़ोसन का फ़ोन आया। पड़ोसन, क्या आप फ्री हो, डिस्टर्ब तो नहीं किया? पति, बोलिए क्या हुक्म है? पड़ोसन, मुझे कोई काम नहीं, पर आपकी पत्नी को काम है, लो बात कीजिए। पत्नी, शाम को घर आओ तो आयोडेक्स लेते आना। जब अमेरिका में लाइट जाती है तो वे पावर ऑफिस में फ़ोन करते हैं, जब जापान में लाइट जाती है तो वे फ्यूज़ चेक करते हैं, और जब हमारे भारत में लाइट जाती है तो सबसे पहले बाहर जाकर निकल कर देखते हैं कि सबकी गई है कि नहीं, फिर जाकर राहत की सांस लेते हैं।